अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नाज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नाज ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं लौकी का रायता, जो बनाने में काफ़ी इजी है और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। चलिए आज की रेसिपी देख लेते हैं, लौकी का रायता। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लौकी का रायता बनाने के लिए लौकी की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैंने लौकी ले लिया है, अच्छे से धोकर छील लिया है, उसके बाद हमने इसको कट कर लिया है। तो लौकी को अच्छे से आपको धो लेना है, चाहे आप कटिंग करने से पहले धो लें या कट करने के बाद धो लें। तो मैंने यहाँ पर धोकर अच्छे से रख लिया है। उसके बाद हम पानी लेंगे एक बर्तन में और इसको उबालने हम रख देंगे, ठीक है। तो पानी ले लेना है आपको, पानी में अच्छे से ये भिगो कर रख देना है और अब हमें इसको रख देना है गैस पर, ताकि ये अच्छे से उबल जाए। तो इस तरीके से मैं गैस पर इसको रख देती हूँ, उसके बाद ये उबल जाती है। तो देखिए, ये बस इतनी एक उबाल आ जाना चाहिए, बस अच्छे से गल जाना चाहिए। तो इतनी हमें उबालनी है इसको, और अभी अच्छे से ये उबल चुकी है। चलिए जब तक हम देख लेते हैं और क्या सामान हमें इसमें चाहिए होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली है दही। तो अब दही हमें लेना है, तो इसको एक अलग बर्तन में हमें निकाल लेना है, ठीक है, इस दही को। और ये देखिए, मैं अलग बर्तन में निकाल लूँगी, जिसमें भी आप बनाना चाहते हो रायता, उतना हल्का सा मैं मतलब थोड़ा बना रही हूँ, तो फिर आप उसी हिसाब से अपनी जो दही है वो ले सकते हो, ठीक है। अब दही को अच्छे से हमें फेंट लेना है। तो इस तरीके से काफ़ी इजीली ये हो जाती है, तो इस तरीके से आपको फेंट लेना है अच्छे से। तो दही अच्छे से हमारी हो चुकी है, हमने फेंट कर इसको रख लेना है। उसके बाद जो हमारी उबली हुई है लौकी, तो इस तरीके से आप इसको मिक्सी जार में ग्राइंड कर सकते हो। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरीके से भी इसको कूट सकते हो, ठीक है, मतलब ये पिस जानी चाहिए। अब सबसे बेटर तरीका तो यही है कि हम इसको मिक्सी के जार में जो हम इसको पीस लें, ग्राइंड कर लें अच्छे से, है ना। लेकिन अगर नहीं है तो आप इस तरीके से कूट सकते हो। फिलहाल तो मैं इसको अभी मिक्सी के जार में रख रही हूँ और उसके बाद इसको बिल्कुल हम स्मूथ तरीके से इसको पीस लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें कर लेना है। तो जितनी भी लौकी है, आप एक बार में अगर ये पीस जाती है तो एक बार में आप पीस लें। तो इस तरीके से अब चलिए इसको पीस लेते हैं अच्छे से और एक पेस्ट बना लेते हैं इसका, ठीक है। तो देखिए, अभी मैंने अच्छा से इसका पेस्ट बना लिया है, इस तरीके से आ गया है। अब आपको क्या करना है, इसको निकाल लेना है एक बर्तन में। तो जिसमें हमने दही को फेंटा था ना, उसी बर्तन में हमें ये निकाल लेना है इस तरीके से। सारी दही अच्छे से, सॉरी, लौकी हमें दही में डाल लेनी है। तो सारी जो लौकी है वो हमें इसमें से निकाल लेना है, जो भी पेस्ट बनकर आया है सारा पेस्ट हम इसमें डालने वाले हैं। अब हमने अच्छे से इसको भी चला देना है, मिक्स कर देना है। उसके बाद मैंने हरी मिर्च की चटनी ले ली है यहाँ पर, और चटनी में तो आपको पता ही है क्या क्या डलता है, लहसुन की कलियाँ होती हैं और मिर्च और धनिया, नमक, जो भी आप बनाना चाहते हो। तो मतलब जिस तरीके से भी आप चटनी बनाना चाहते हो उस तरीके से आप चटनी बना लें। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें गर्म मसाला पाउडर डाली हूँ मैं, और चटनी हमने अच्छे से मिक्स कर दी है। अब हमें गरम मसाला पाउडर लेना है, उसके बाद लहसुन की कलियाँ और ये एक एक लाल मिर्च हमें ले लेनी है, ठीक है। तो अब हमने तेल ले लिया है, और देखिए इसमें हम अपने जो लहसुन की कलियाँ और अपनी लाल मिर्च तोड़कर इस तरीके से इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको अच्छे से होने देते हैं और इसके बाद हम इसमें मिर्च डाल देंगे। तो अभी लहसुन हो चुका है, उसके बाद हम इसमें मिर्च डाल रहे हैं, वो भी काली हो चुकी है। अब देखिए मिर्च में मामूली चौका, क्या आवाज़ आई है ना। तो इस तरीके से हमारा जो लौकी का रायता है बहुत ज़्यादा इजी तरीके से बन जाता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।